मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित श्री गहोई वैश्य समाज के नवनिर्मित गहोई भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर एवं राज्य गीत के साथ समारोह का शुभारंभ किया। श्री गहोई वैश्य समाज के नवनिर्मित गहोई भवन लोकार्पण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं आप सबको नवनिर्मित भवन के लोकार्पण की बधाई देता हूं। सामाजिक भवनों धर्मशालाओं में समाज के उत्थान और विकास की चर्चाएं होती है, दूसरे समाज को भी अवसर मिलता है। आपने जो भवन बनाया है वो सेवा भाव से निर्मित किया गया है। इस भवन का निर्माण एम्स के बगल में हुआ है। मरीजों और परिजनों के रुकने के लिए ये भवन बनाया गया है। बेहद पुनीत कार्य है ये। अस्पताल के मरीजों के लिए आप कमरे उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बोले गहोई समाज की। मैथिली शरण गुप्त जी को नमन करते हुए मंच में उपस्थित भाई सी डहरिया जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और नगरी प्रशासन मंत्री भाई सुनील सोनी जी, सांसद रायपुर लोकसभा भाई कुलदीप जुनेजा जी, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, विधायक रायपुर दक्षिण और पूर्व मंत्री आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव विधायक रायपुर पश्चिम भाई एजाज ढेबर जी और बाऊ जी तेज तर्रार, हमारे पत्रकार भाई शिशिर सोनी जी जिसके कलम आग उगलती है, भाई शिशिर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, बहुत ही सम्मानी भाई अशोक बानी जी अध्यक्ष गहोई वैश्य समाज रायपुर, संजय गेड़ा जी सचिव गहोई वैश्य समाज रायपुर, विनोद पूरन चंद सुहाने जी सुहाने परिवार स्वागत अध्यक्ष, आदरणीय पंकज सरावगी जी कोषाध्यक्ष गहोई समाज, आदरणीय भाई प्रमोद चौबे जी, सभी उपस्थित हमारे मंच में भाई सुंदर जोगी जी और कहा नाम बताइए संचालक पल्लवी, बहुत अच्छा ही संचालन कर रहे, भाषण से तो अच्छा उनका संचालन लग रहा था। हमारी छोटी बहन जिसे आप सब संचालक के रूप में देख रहे हैं, और मैं बधाई देता हूं हमारी बहनों को कि बहुत मेहनत करके स्वागत गीत गाया और बहुत सुंदर, और उनके गीतों से लग रहा था बहुत दिन से मेहनत कर रही थी, और उतने ही अच्छा संगीत दे रहे थे हमारे तबला वादक और हारमोनियम दोनों की भी बधाई देता हूँ। बधाई सभी समाज के बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने ये सपना देखा कि एक यहाँ सामाजिक भवन बने। युवा साथियों की भी बधाई कि बड़े बुजुर्गों की बात को अमली जामा पहनाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सबको भी बधाई। मातृशक्ति को हमेशा नमन कि उसके सहयोग के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता, तो मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज गहोई भवन का लोकार्पण हुआ, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, और बधाई देता हूं भाई शिशिर को कि उन्होंने अधिकार पूर्वक कहा कि आपको आना है, और मैं जानता हूं कि ना कहूंगा तो दूसरे दिन कलम चलने लगेगी।